इस दुनिया का हर जीव हर प्राणी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, लेकिन मनुष्य अपना स्वार्थ अपना लक्ष्य पाने के लिए लड़ता है। और इस लड़ाई में उसकी ताकत उसकी कुव्वत और उसका पैसा उसका हथियार होता है। और जब इस हथियार की उसके पास भरमार हो जाती है तो यह हथियार बन जाता है ब्रह्मास्त्र। ये कहानी एक ऐसे ही मनुष्य की है जो काली दुनिया के साम्राज्य का राजा बनना चाहता था, और वो व्यक्ति है शेट्टी, तुलसी शेट्टी। मार्टिन के गुजर जाने के बाद इन्वेस्टर लोग को जवाब देना मुझे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा है। जवाब नहीं है मेरे पास। मैं कानून का सलाहकार हूं, तो मैं चाहूंगा कि इलेक्शन को सबसे पहले होना चाहिए और किसी को आने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ भी इसके इलाके में है सब कुछ मेरा है, सब मेरा ही है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमें अभी सिर्फ गाड़ी मिली है, लाश अभी तक नहीं मिली। थोड़ी उम्मीद रखते हैं।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये कौन है? प्लीज आइए। ए, कौन है ये आदमी जो मुझे किराए पे रहने के लिए बोल रहा है? आने दो साले को, आने दो साले को, आने ही दो। मेरी चीजों में टांग अड़ाना, आने दो साले को, आने दो साले को, देख लूंगा साले को, उसको पता नहीं है, आने दो साले को, बचेगा नहीं।
क्या बे साले चिरकुट, मेरे सर को क्या तरबूज समझ के रखा था जो ऐसे ही काट लेगा? अगर मैंने तेरा सर काटने की सोचा ना तो काट के फेंक दूंगा। बहुत अपने आप को तू साला छाड़ा समझ रहा था, हरामखोर। जंगल में शेर मारने की भेड़िया प्लानिंग तो कर सकता है, मार नहीं सकता। अबे सुन, तेरे को एक कहानी सुनाता हूं। तुम्हारा हो गया। अरे नहीं हुआ क्या? अरे जल्दी बाहर आ जाओ। क्या यार? ए, अगर तू शावर में जाता है तो बहुत समय लगाता है। अरे मुझे काम पे जल्दी जाना है। ये भी ना, क्या चल रहा है? जल्दी बाहर आ जाओ। क्या सुबह सुबह दिमाग के क्या है ये? अरे ये जगह एकदम शांति वाली है, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, इस जगह तो शांत रहने दो। अरे हम लोग ड्राइवर हैं जिनका ड्रेस आईएएस और आईपीएस जैसा दिखता है। तुम्हें तो खाकी पहनने की आजादी भी नहीं है क्योंकि तुमने इतना पढ़ा नहीं है। सुनो, मैं ना कल का कल आईएएस या आईपीएस बन सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक ही घर में दो लोग खाकी बन गए। सुबह सुबह दिमाग की देखा दिया। फिर डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा है क्या? जल्दी जल्दी बोल के बक 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 करके निकल जाता है। चल यहाँ से निकल। हाय, कितनी देर हुई? देर? एक घंटे हो गए पूरे। आओ बैठो। बोलो। मैं 1 आवर से वेट कर रहा हूँ, तुम क्यों लेट हो? ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग थी इसलिए आने में देर हो गई, सीधे यहीं आ रही हूँ। आई एम सॉरी। ठीक है, मेरे लिए सब कुछ नया नहीं है। चलो कुछ मंगवा लो। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी, हम बताते हैं। नन्ना निन्ने मिलाना ये जन्मदा प्रीतिया कावाना। भाई अपनी लाइफ जो चल रही थी वही सब रूटीन चल रहा है। तेरे लाइफ में क्या हो रहा है? मेरी? वैसे तो मैं लॉयर हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं, कोर्ट के सामने तो मैं केस दे दो बोल के सबसे भीख मांगते रहता हूँ। यही हाल है मेरा। ए एंथनी, तेरी भी सुना डाल। क्या भाई? मुझे नहीं पता यार मैं कब जेल जाऊंगा और कब कहाँ आऊंगा। वो सब स्टोक के बारे में पूछ मुझसे जो पिछले हफ्ते हमारे स्टूडेंट के लिए आया था। पुलिस मुझे ऐसे ढूंढ रही है जैसे चूहे को शेर। क्या करूं यार। जैसे मेरे को कुछ पता ही नहीं है, पिछले हफ्ते ही रात को इसको बचाया है मैंने, लफड़े में फंसता फंसता बच गया ये।
दारू भी। चिरंत यहाँ आओ, प्लीज बैठो। गुड इवनिंग सर। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो जिम ज्वाइन कर रहा okay. है, बस तुम उसको पर्सनल ट्रेनिंग okay. देना। ठीक है, श्योर सर। ठीक है, वो काफी दमदार है। नो श्योर सर, नो प्रॉब्लम सर। सर कहाँ है वो? देखो वो आ गया। वेलकम सर, वेलकम टू आवर फिटनेस सेंटर। ये चिरंत सर, आपका पर्सनल ट्रेनर। गुड इवनिंग सर। सर आपसे गुजारिश है, आइए। हेलो सर, आइए सर, प्लीज वेलकम। जाओ तुम लोग गाड़ी के पास रहो। आइए सर। देखो मैं तुम्हारी तरह केयरलेस नहीं हो सकती। अच्छा बताओ हम कब से साथ हैं? बताओ ना हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? हमारे घर वाले तो शादी के लिए परेशान हैं। हाँ, मेरे होते हुए किसी और की कैसे सोच सकते हैं? बोल दे, सपने छोड़ दे ये। तुम कभी नहीं बदलोगे। क्या लाइफ में पैसा कमाना, अच्छे से सेटल हो जाना बुरी बात है क्या? जब एक लड़का सेटल होता है तभी वो किसी लड़की का हाथ मांग सकता है। तो मैं भी तो कमा रहा हूँ। अच्छा बताओ तुम जिम ट्रेनर की जॉब में कितना कमा रहे हो? बताओ। तुम मुझसे पैसे मांगते हो क्योंकि तुम अपने खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। ए, हेलो, ये क्या पैसा पैसा लगा के रखा है तुमने? अगर पैसा इतना ही पसंद है तो किसी रईस को पटाया होता, मेरे साथ क्यों लगी हो? देखो ये सब बकवास करने से अच्छा है तुम अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ो और अपनी लाइफ पे फोकस करो, तभी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। देखो मेरे बारे में बोल दिया पर फ्रेंड्स के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, समझ गई ना? तुम्हारे दोस्तों की बात हो तो तुम्हें जल्दी से गुस्सा आ जाता है। मुझे खोने के बाद तुम्हें मेरी वैल्यू पता चलेगी लाइफ में। क्या शंकर ना, काम पे नहीं गए क्या? क्या तुम सुबह से वही बात पूछ रहे हो? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, समझ नहीं आता क्या? क्या हो गया इनको? क्यों, तुम्ही क्या करना है? तुम जाके अपना काम संभालो। पापा आपके लिए कुछ और लाऊं? जो तुम्हारी मर्जी है ले लो बेटी, अभी मैं कॉफी पी रहा हूँ, लेकर आ जाओ इतने में। यस, वेरी गुड। पीछे रखिए जरा। या Easy. Good. Do you party? अपनी लाइफ में सर डेली पार्टी है, तो स्पेशल क्या है इसमें? कुछ दिनों में मेरा बर्थडे आ रहा है, तुम आके वहाँ पार्टी कर सकते हो। मैं आपकी पार्टी में मैं क्या करूंगा सर उधर आके? तुम्हें पता है कितने लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे पार्टी में आने के लिए? मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं एक बात बार बार नहीं कहता, आज तक मेरा ऑफर किसी ने नहीं ठुकराया।
ओके सर, आ जाऊंगा, लोकेशन भेज दीजिए, वही मिलूंगा। ओके डन है। बाबू, सब लोग मेरे पास घूमते हैं और मैं तुम्हारे पास घूमती हूँ, तुम मेरे पर ध्यान क्यों नहीं देते? मैं काफी लोगों को संभालता हूँ, कई आते हैं कई चले जाते हैं, तो तुम क्या चीज हो? बाबू ये अच्छी बात नहीं है, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। तुलसी, फ्लाईओवर के कॉन्ट्रैक्ट से काफी शिकायत आ रही है, अगर काम ठीक से नहीं हुआ ना तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। बॉस आप मुझे क्या नोटिस दे रहे हैं? आप वहां की चिंता मत कीजिए बॉस, सारा काम हो जाएगा। नहीं, गाड़ी निकाल रहे हैं, चल चलते हैं। कैसे रो रहे हैं? क्या बे हरामखोरो, होश आ गए ठिकाने तुम लोगों के? नीचे सुतली बम रख के फोड़ो। बहुत चर्बी चढ़ी है, सबकी बारात निकलेगी गधे पे बिठा करके। हरामखोर, ए पकड़। गुड मॉर्निंग सर। ए, तुलसी सेट्टी जहाँ पे सौदा करता है वो होके रहता है, समझा? सारे जानवर डर जाते हैं जब जंगल में शेर आता है। मिस्टर गिरिधर। हाँ सर। फ्लाईओवर के कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ अब तक? सर डील बंद हो गई सर। डील बंद हो गई? कितने में बंद हुई? 20% में सर। 20%? हाँ सर। किसने बंद किया? सर तुलसी ने। तुलसी ने? तुलसी, तुम्हें किसने कहा था ऐसा करने के लिए? हैं? तुमने बिन पूछे कैसे बंद कर दिया? बॉस ये सिर्फ मैंने ही डिसाइड किया। बॉस तुम होते कौन है डिसाइड करने वाले? तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगा, समझ आया? तुम सब लोग मेरे लिए यहां काम करते हो, यहां का बॉस मैं हूं, समझ आई मेरी बात? यस बॉस।
अबे तेरे पास तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, फिर भी तू काहे को परेशान हो रहा है। मार्टिन इधर ही है, पूछ ले इससे। अब तुझे क्या हुआ? ए मुंह बंद रख, फालतू बकवास मत कर, तू नहीं समझेगा ऐसा। ऐसा सोचता रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला, तेरे को जाके पूछना ही पड़ेगा। भाई तेरे को पहले पूछना चाहिए उससे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे? प्रॉब्लम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को बेचने की? बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए तुम्हें पता नहीं है क्या? अगर भविष्य में कुछ भी बुरा हुआ तो हम क्या करेंगे? ए, सुन, तेरी माँ के बारे में एक शब्द बोला तो तेरे को मिर्ची लग गई। तेरे को मालूम है तेरी माँ ने मेरे बारे में क्या क्या बोला? अगर तुझे पता होता ना तो इतनी हायतोबा नहीं मचाती तू यहाँ पे। ओके बता क्या बात है। मेरी माँ ने NRI लड़का देखा है मेरे लिए। कल लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं मेरे घर। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो, चिल करो, पार्टीज करो, ठीक है ना? बताओ मुझे, मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूं? तुम मेरी देखभाल कैसे करोगे? ए, पूछ रही हो, देखभाल कैसे करूंगा? ऐसा देखभाल करूंगा कि परी भी रक्ष खाएगी, कूली बन जाऊंगा पर कोई कमी नहीं होगी, समझी? ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरा अच्छे से ध्यान रखोगे। मुझे किसी NRI की जरूरत नहीं है। जो कर सकते हो कुछ भी करो प्लीज। दोस्तों देखो मैडम आ गई। कमाल है गुरु। क्या मैडम, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? थोड़ा मेरे ऊपर भी नजर मारिए। क्या चाल है इसकी? भैया वो कुछ लोग मुझे छेड़ रहे हैं। कौन? वही जो वहां पर खेल रहे हैं। तुम घर जाओ देख। मेरे और भाड़े वाले के ऊपर टेंडर इशू केस सॉल्व हुआ कि नहीं? हाँ सर, कुछ चीजें सॉल्व हो चुकी है। गुड। लेकिन जिस जगह होटल खोलने की सोच रहे हैं वहाँ परेशानी होने वाली है। ठीक है, जरा देखो उसको। मैनेजर। जी सर। प्रॉफिट हमें हो रहा है कि नहीं? हमारे सारे शेयर ठीक से फ्लो कर रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, सारे शेयर्स एकदम सही चल रहे हैं और फ्लो भी एकदम अच्छा जा रहा है। गुड। लेकिन एक बात है सर। हाँ? वो नायक के जो शेयर्स थे ना, वही जो हमको टेंडरी से मिले थे, वो सब हम लोगों ने बेच दिए हैं। गुड। वही शेयर देना जो हमें सही में देने हैं, समझे? सर अभी भी नायक से एक मेल आया है। हाँ? सर शेयर्स देखने में सही है बट लेकिन उसने एक वार्निंग दी है। क्या? वो फ्लाईओवर को लेकर। सब ठीक ही होगा। आप कौन हो सर? मैं कौन हूँ? तेरे बॉस को? मैं आपको नहीं जाने दे सकता। हेलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दे सकता। बगैर इनविटेशन? नहीं सर, आप नहीं जा सकते। इनविटेशन है तभी आया हूँ। सर आप प्लीज बाहर जाइए सर। और मैं आई कि नहीं? सुनो क्या इंसल्ट कर रहा है उसको अंदर आने को बोलो। जी
अबे तेरे को ज्यादा समझ आ रही है क्या? हेलो भाई, वो बॉस के साथ है, उसे आने दे। सॉरी सर, आप जा सकते हैं। अभी समझ आई ना, बच्चे साले अपने बाप को नहीं पहचानते। तो तुम लोगों को इसी पे ध्यान देना है, समझे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो यंग मैन? सर आपका आशीर्वाद है। मसला सर, आजिए सर। सर ये सब कुछ आपका है? भला और किसका होगा, बल्कि सिर्फ यही नहीं, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली और दुबई में भी रिजॉर्ट है, पब और फाइव स्टार होटल भी सब हमारे मार्टिन सर के नाम पे हैं। सर मेरे को नहीं मालूम था आप इतनी बड़ी पार्टी हो, आप तो एकदम याहूम पार्टी हो सर। ए, ये सब कहने की जरूरत है क्या है? सर सॉरी सर। बहुत थोड़ी बॉडी है तो। सर हाँ, ये फिल्म एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय है ना सर? हाँ सर, आई एम बिग फैन सर। सर देखो सर, ये देखो फोटो देखो सर, मेरे मोबाइल में डीपी इसका लगा हुआ है सर। ऐसा क्या? आओ मेरे साथ आओ। ए शो, हाँ इधर आओ जरा। ओके कैरी ऑन। हाय बाबू, तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है। इससे मिलो, ये है चिरन, मेरा पर्सनल ट्रेनर। हेलो मैडम, आई एम योर बिगेस्ट फैन मैडम। यस मैडम, पक्का फैन। एक्चुअली क्या तुम सिर्फ लड़कों को ही ट्रेन करते हो या हमें भी करोगे? आपको ट्रेन किया, आपको प्लेन कर दूंगा। स्वीटी जवान लड़का है, ध्यान से रहना। यंग मैन एंजॉय द पार्टी। We'll be right back.
भेजा तुझे यहाँ पे? ए तुलसी, कैसा है तू? जो तुम्हारे भाई के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ, बात समझने की कोशिश कर। कम ऑन यंग मैन, सर। गुड मॉर्निंग। कल रात को पब में क्या हुआ था? मैंने सोचा नहीं था कि तुलसी मुझ पर हमला करवाएगा। इसीलिए वो लोग ने कहा है अपने पूरे बॉडी का ध्यान रखने के लिए। फ्लाईओवर के कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन काफी लोग बीच में आ रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। मेरे रास्ते में चाहे कोई भी आ जाए, पेड़ हो या इंसान, दोनों को काट के फेंक देता हूँ। ध्यान रखना, काम हो जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या मंगाया और क्या लेके आया तू? क्या आदमी है यार तू ना? भाई कल के भी पैसे नहीं दिए। किससे बिल मांग रहा है, तेरे को पता है क्या? ए भाई समझा इसको। सर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आपने कल के पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं देंगे तो मालिक मुझे निकाल देंगे।
अरे यार बहुत ज्यादा हो गई रात को। हल्का हो जा बेटा। अरे तेरी कहाँ है, हाथ में तो आ। कहां पर हूं मैं? तुम मुझे कहां लेकर आए हो? मैंने तुझे अपने साम्राज्य में आने दिया था क्योंकि तूने मेरी जान बचाई। अब क्या तू मुझे ऐसा धोखा देगा? तूने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी अपने दोस्त के साथ। मैंने दोस्त समझ के तुझे लिफ्ट दी, लेकिन तू मुझे ही टाइट करके यहाँ ले आया। मुझे तेरी हिम्मत पसंद आई, अच्छा लगा। लोग 100 बार सोचते हैं मुझसे बात करने से पहले और छूने से पहले 1000 बार सोचते हैं, लेकिन तू तूने मेरा किडनैप कर लिया बेटा। अब तेरी अच्छी खातिरदारी होगी, अब तू बचेगा नहीं। <laughs>
अब ಕದನ ರೋಷದ ಖನನ ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲದೀಪಯಣ ನನ್ನ ಈ ಕದನ ರೋಷದ ಖನನ ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲದೀಪಯಣ ಕೆಂಪು ಸ್ನಾನ ಉಸಿರ ಗಾನ ಸ್ಮಶಾನ ನೀರವ ಮೌನ ಗೆಲುವಿನ ಧ್ಯಾನ ರಕ್ತದ ಕೆಂಪು ಸ್ನಾನ ಉಸಿರ ಗಾನ ಸ್ಮಶಾನ ನೀರವ ಮೌನ ಸ್ಮಶಾನ ನೀರವ ಮೌನ सुन, मैं मार्टिन हूँ, मार्टिन डिसूजा, हैप्पी टाइम का राजा। तू मुझे बेवकूफ बना के यहाँ ले आया और मुझे फ्राइड राइस खाने को दे रहा है, कमीने। तुझे नहीं पता कि तू कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तू मुझे नहीं जानता, तू मरेगा।
एक बार जब मैं यहाँ से निकल गया तो मेरे आदमी तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। सर इस गलत फहमी मत रहना कि अमीरी ऐश करेंगे, समझे क्या? इंसान जब भूखा रहता है ना तो उसको अनाज ही लगता है। आप स्पेशल हो, आप पैसे खाते होंगे। भूमि पे एक से एक राजा महाराजा सम्राट आए पर सब फना हो गए, कोई बचा नहीं। आप क्या कोई स्पेशल हो गया? जान दो ना सर। ए, ए, क्या चाहिए तुझे? मुझे यहाँ लाके तूने क्यों बांध रखा है? हा? सीधे आके लड़ना। अगर चाहिए तो 5-10 लाख रुपए ले ले, तेरे मुंह पे मारूंगा। देख मुझे छोड़ दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा और जाने दूंगा। क्या सर, मेरे को क्या भिखारी समझ के रखा है क्या? 5-10 में छोड़ दोगे? अच्छा हाँ, तू भिखारी है, तुझे ले लेना चाहिए जो मैं दूंगा, बिकॉज बेगर्स डोंट हैव अ चॉइस। सुनो दोस्त, थोड़ा पानी देना। क्या सर, बैगर से पानी की भीख मांग रहे हो क्या? सर
सर इसी को लाइफ बोलते हैं। हर एक वो चीज जो ऊपर जाती है नीचे जरूर आती है, यही लाइफ है, समझे ना सर। ए, मुझे भी एक सिगरेट देना। क्या याद करोगे तुझे? सर अपने प्यारे हाथों से अभी जल्दी से एक ऑटोग्राफ भी कर दो सर, जल्दी से। क्या रे, इतनी अच्छी जगह मिला के तुम मेरे साथ कॉमेडी कर रहा है? मुझे लगा कि तुम मुझसे थोड़े पैसे मांगेगा, लेकिन तू तो सब कुछ लेना चाहता है। सर 5-10 लेके छोड़ने वाला बैगर समझा है क्या? सब कुछ लूंगा, सब कुछ ले लूंगा, तेरे पास जो कुछ भी है ना सब कुछ ले लूंगा सर। भय, भय बिना प्रीत नहीं, ये बात समझ लो, हर आदमी में भय होना जरूरी है, ये बात समझ लो सर। और समझ गए तो साइन कर लो, वरना अभी साइन कर। नहीं, तू मुझे मार भी देगा तब भी मैं साइन नहीं करूंगा। ऐसा के सर, उस पैसे के लिए मरने को तैयार हो जो तुमने औरों से लूटा हुआ है सर। अगर यही पैसा ईमानदारी से कमाया होता तब तो क्या कहने होते सर। अभी किसी भी तरह से यहाँ से निकलता हूँ, फिर देख लूंगा, नहीं तो जिंदा नहीं बचूंगा। एक बार जब मैं यहाँ से जाऊंगा फिर मैं इसको संभाल लूंगा। साइन कर। लेकिन ये जाएगा कहाँ, मैं ढूंढ पाऊंगा? एक सीख तो मिल गई आज मुझे, कभी किसी पर भरोसा मत करो। क्यों? करने को मैंने कर दिया। क्या सर, मैं मिला क्या बेवकूफ बनाने को सर? ये साइन किसको चाहिए? जाने, ओरिजिनल साइन कर अपना। चल कर, पकड़। मिडिल क्लास लोग हाथी की तरह होते हैं, बहुत शाना है ना तू, और तुम्हारे जैसे इंसान जो सिर्फ पैसों के लिए जीते हैं उनकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। हाथी के धैर्य और सब्र को कमजोरी समझते हो तुम बहावत, शराफत को कमजोरी समझने वाले तुम जैसे हराम खोरों को सबक सिखाना जरूरी है। जब हाथी नशे में आता है ना तो महावत को धूल चटा डालता है वो। काम करो, हरा अंजाम सिर्फ बात है, सिर्फ बात।
हमसे नहीं होगा, मैं तो नहीं ले सकता। गुड आफ्टरनून सर। तुम मानो या ना मानो, बॉस मार्टिन ने कहा है इस कंपनी का एमडी मैं ही होऊंगा। जो मानेगा वही रहेगा, बाकी जाएगा। बिकॉज आई डोंट केयर। मैं और मेरे बच्चे एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए अपने बच्चों से मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ कि हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए बहुत कष्ट झेला है, लेकिन कोई बच्चा इसका गलत फायदा ना उठाए, बस यही चाहते हैं हम। सुनिए जी, आप चुप ही रहिए। आप तो बहुत प्यार से बोल रहे हो, क्या आपको पता नहीं है कि दूल्हा दुल्हन कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप शादी की बात कर रहे हो? ठीक है, मेरे भाई अभी काफी चीजों में पीछे है, लेकिन उन्होंने काफी मेहनत से पोजीशन हासिल की है और अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। और ये भी सच है कि बच्चे अच्छे रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। हमने उनके अच्छे जिंदगी के लिए अच्छा किया, ये अच्छा है जो वो समझ गए। ये है मेरी कहानी, एक बात समझ ले, साइलेंट रहेगा तो रहेगा, मेरे मैटर में पड़ा तो तेरे काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अच्छे से समझ ले, होशियार मैनेज हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, ये क्या है? अब ये मुझे कैसे मालूम होगा? ये टेंडर कैंसिल कैसे हुआ? अरे मैंने सारे ऑफिसर्स को पैसे खिलाए हैं, मुझे कैसे मालूम होगा? क्या मालूम कैसे कैंसिल हो गया? मैं नहीं जानता कैसे कैंसिल हो गया। गोली देने की कोशिश मत कर, ठीक नहीं होगा। तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी क्या? काम के ना काज के दुश्मन आज के। अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो हाथ काट कर रख दूंगा। तुलसी, तुम्हें किसने कहा ऐसा करने को? हैं? Yeah.
भाई ये पानी पी लो। सुनो भाई, सुनो न जरा, दो दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे को कुछ खाने को दो ना। अरे सुन यार, इसको कुछ दे के भेज यार। ए लड़के सुनो ना, मुझे थोड़े पैसे दे दो मेरे भाई। ए भाई क्या आप बेवकूफ हो क्या? तुम परेशान मत हो, बेगर डोंट हैव अ चॉइस, बेगर डोंट हैव अ चॉइस। क्या सर, आपने कुछ तो कहा था ना तब? मुझे कुछ याद नहीं। याद करो कुछ बोला था आपने? मुझे याद नहीं है। याद करो, इंग्लिश में कुछ तो बोला था आपने। सुन बे, फोन दे मेरे को मेरा। ये लो भाई, ये देखो ये सब याद आ जाएगा। देखो इसको, आंखों में आंखें डाल के देखो, देखो देखो इसको, देखो सही से देखो, देखो। हाँ हाँ, तुम इसे जानते हो ना? जानते हो ना? समझ में आया कुछ? हाँ बताओ, कौन है बताओ? मैं पार्टी में, मैं हूँ, मैं पार्टी में क्या करूँगा सर, ये सब आपका है सर। है बिना प्रीत नहीं, ये बात समझ लो। तुम जानते हो ना इसे? जानता हूँ मैं। इसका मतलब आप मैं हूँ मार्टिन डिसूज़ा। गुड आफ्टरनून सर। टेंडर इस बार हो जाएगा, सारे ऑफिसर्स को एकदम बराबर पैसा खिला दिया है, अभी कोई टेंशन नहीं है। ओके, वो तो होना ही था। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का जो कोटेशन है बताओ मुझे। मैंने बना लिया है, अच्छा होगा कि आप एक बार भेजने से पहले देख लें अभी ये कैसा है। सर ये कोटेशन है जो तैयार करना है, ये 100% काम करेगा। अगर आपको ये ठीक लगे तो मैं आगे भेजूं। ये ठीक है ना? हाँ मैंने सब देख लिया है। तुमने ठीक से देखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बाहर नहीं जाने चाहिए डॉक्यूमेंट। ये टेंडर हर हाल में हमें चाहिए, एट एनी कॉस्ट, समझे? मुझ पे भरोसा है ना, टेंशन क्यों ले रहा है? तुझे ये हर हाल में करना है, मेक श्योर इट हैपेंस। ओके चलो। क्या जी, एक महाराजा की तरह आराम फरमा रहे हो, कहीं गए नहीं क्या? नहीं गया, क्योंकि मैं फोन का वेट कर रहा हूँ। और बताओ क्या समाचार है? कल रात का डिनर बहुत ही अच्छा था। अच्छा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। क्या बात है, बताओ क्या बात है? वहाँ ना एक भिखारी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। अच्छा? Beggars don't have a choice, ऐसा बोला। तो क्या हुआ? English काफी common language है। But मैंने आज तक ऐसा कोई भिखारी नहीं देखा जो इतनी अच्छी English बोल सकता है। क्या बोला वो? Beggars don't have a choice, ये बोला। Beggars don't have a choice, हाँ? क्यों, क्या हुआ? Oh.
क्या रे भाई, पूरा दिन बच्चे की तरह मोबाइल में खेलते रहता है। अभी आया क्या तू? हाँ भाई, ये बड़ा सही है, आजकल तो भिखारी लोग भी इंग्लिश बात करने लग गए भाई। हाँ ऐसा क्या, ऐसा भिखारी? अरे पता नहीं, कोई गेट के पास मिला था मेरे को, बेगर्स डोंट हैव अ चॉइस बोल रहा था। क्या? बेगर्स डोंट हैव अ चॉइस बोल रहा था। क्या? बेगर्स डोंट हैव अ चॉइस। बेगर्स डोंट हैव अ चॉइस। कहाँ है वो? अरे बाहरी गेट के पास खड़ा है। रोक तो यहीं पे। अरे क्या हो गया, किधर जा रहा है? यार अभी तक नहीं आई। कहाँ चले गई है? अरे यार। ये कौन है? अननोन नंबर? हेलो। क्या हाल है मेरे दोस्त, अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो? अच्छे से करो। लेकिन क्या फायदा, मैंने उसे वहाँ भेज दिया जहाँ से कोई वापस नहीं आता। उसकी ऐसी किस्मत के लिए तुमने मुझे ऐसा बना दिया। तुम किसी को खोने का दर्द समझ पाओ? इसलिए मैंने उसे ऊपर भेज दिया। ए, तू जानता ना तो किससे बात कर रहा है? अगर हिम्मत है तो अकेले आओ और अपने दोस्त को ले जाओ। किरणनाथ, पहले मेरे सारा सामान लेके आओ जो मेरा है, मैं लोकेशन भेजता हूँ। सब कुछ लूंगा, सब कुछ ले लूंगा। तेरे पास जो कुछ भी है ना, सब कुछ ले लूंगा सर। मुझे पता है कि जब सब चला जाए तो कैसा लगता है। Ha ha ha!
अरे आप टेंशन नहीं लो, एक बार खाली पैसा मेरे पास पहुंचने दो, उसका टेंशन आप मत लो, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगा, मेरी बात का विश्वास करो, बाकी सब मैं देख लूंगा, ठीक है ना? मेरे को खाली पैसा चाहिए। अरे बोला ना आप उसके बारे में टेंशन नहीं लो। अरे मैं सब संभाल लूंगा, मैंने आपको बोला। कर रहा है यार फोन पे, क्या तू उसको प्लान कर रहा है? नहीं भाई, अरे नहीं भाई, ऐसी मैं कोई बात नहीं है। उसको बोलता हूं मेरी बात तो सुन। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं जाके अभी बोल दूंगा उसको। मेरे पे भरोसा रख, देखो क्या करता है तेरा। मेरे पे भरोसा रख, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रुक, अरे तू मेरी बात तो सुन। इधर आ, तू मेरे साथ आ, मेरे साथ आ, मैं तेरे को समझाता हूं। किससे बात कर रहा था बता ना फिर मुझे। मेरी बात सुन, मैंने किसी से कुछ बात नहीं किया। हां तो तू इतना टेंशन नहीं ले, वो खाली मैं ऐसे किसी और से बात कर रहा था, ठीक है? ए, छोड़ो मुझे, क्या हरकत है ये? क्या मैं तुम्हारी बीवी या जीएफ हूँ? ये अचानक तुमको क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थी तुम। उधर देखो, तुम्हारा दोस्त कितनी अच्छे से सबके साथ रहता है, उसे जरा कुछ तो सीखो। जो भी है, मेरा दोस्त ही तो है, वो आगे बढ़ा तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन उस कुर्सी पे सिर्फ राजा ही बैठता है, कोई आम आदमी नहीं। देखो उधर, जब तक वो जिंदा है तुम ऐसा नहीं बन सकते। तुम्हें ऐसी ही जिंदगी चाहिए तो कुछ करना होगा। चला गया। ए, लैपटॉप मेरे को दे, लैपटॉप ला इधर। ये क्या कर रहा है? कुछ तो प्लान कर रहा है। क्या भाई, तू खाली एक अकेला यहाँ का राजा है क्या? और हम सब तेरे को तेरे नौकर नजर आते हैं, हैं? अभी से अपुन भी राजा ही चाहे, समझा? शेर रहेगा बेटा। We'll be right back.
बाय सर। जहर, जहर होता क्या है? जब जरूरत अय्याशी में बदल जाए वही जहर होता है। फिर चाहे वो पैसा हो, पावर हो, भूख हो या लालच। और प्यार भी जब एक हद से बढ़ जाए तो वो भी जहर में बदल जाता है। समय ही इंसान को ताकतवर और बलवान बनाता है, पर वो समय ही है जो इंसान का काल बनता है। समय किसी के अधीन नहीं। समय ना किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन।